हल्द्वानी के मलिक के बगीचे को खुर्द बुर्द करने के मामले में आरोपी साफिया मलिक आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ चुकी है। हल्द्वानी हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक को बरेली से गिरफ्तार किया गया है और वह पुलिस अभिरक्षा में है। आपको बता दें कि कोतवाली पुलिस ने बीती 22 फरवरी को साफिया मलिक के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले की आरोपी साफिया फरार चल रही थी। साफिया अग्रिम जमानत लेने की फिराक में थी, लेकिन कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। साफिया मलिक के वकील ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका के लिए आवेदन देने की बात कही थी, हालांकि उससे पहले ही बीती देर रात साफिया को पुलिस ने गिरफ्तार ही कर लिया। फूलपुरा में अतिक्रमण वाला मामला था, जिसमें नगर निगम के द्वारा एक एफआईआर करवाई गई थी। उसमें अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक, जो नामजद अभियुक्त थी, उसको आज नैनीताल पुलिस की टीम ने बरेली से गिरफ्तार किया गया है। और इसमें अन्य जो नामजद अभियुक्त हैं उनके खिलाफ जांच चल रही है। इसमें अब्दुल मलिक भी नामजद अभियुक्त हैं, जो ऑलरेडी दूसरे मामले में जेल में बंद है। इस मामले में विवेचना चल रही है, आगे जैसे भी तथ्य आएंगे उसके खिलाफ से पुलिस कार्रवाई करेगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।